टीन एज में आके हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं फेशियल हेयर, अनवांटेड हेयर को रिमूव करने के लिए। अगर आपकी एज भी 12 से 20 साल के बीच में है तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगी कि कौन से मेथड फेशियल हेयर को रिमूव करने के लिए इस एज में आपके लिए बहुत अच्छे हैं और कौन से मेथड आपको बिल्कुल भी यूज़ अभी नहीं करने हैं, जो कि आपकी स्किन को बिल्कुल डैमेज कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं। तो अगर आप भी टीन एज में आपको समझ नहीं आ रहा कि फेशियल हेयर को रिमूव करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करें और कौन से मेथड ना यूज़ करें, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाली है। तो बिना स्किप किए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा ब्यूटी टिप्स। आई रियली होप आप सभी ठीक ठाक होंगे। अगर आप मेरे को फर्स्ट टाइम देख रहे हो या मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो बहुत सारा वेलकम आपका मेरे चैनल के ऊपर। मेरे चैनल के ऊपर फेशियल हेयर के ऊपर बहुत सारी वीडियोस हैं कि कैसे आप डिफरेंट डिफरेंट मेथड से अपने हेयर्स को रिमूव कर सकते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो लिंक आपको नीचे सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो मैं आपके साथ और भी बहुत सारी फेशियल हेयर, अनवांटेड हेयर, स्किन केयर, हेयर केयर के ऊपर आपके साथ वीडियो शेयर करती रहती हूँ और करती रहूँगी। तो अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, मेरी फैमिली में शामिल होना चाहते हैं, तो प्लीज़ अभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि करना बिल्कुल फ्री है भाई। तो नाल ही बेल बटन जरूर ऑन कर देना है, ताकि तो तुम मेरी इन्नी अच्छी अच्छी और वीडियोज़ देख पाओगे, वरना मिस कर दोगे। सबसे पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन से मेथड्स इस एज में आपको बिल्कुल भी ट्राई नहीं करने। सबसे पहले है फेस वैक्स या वैक्सिंग, बिल्कुल भी ट्राई नहीं करनी है। उसके बाद आता है फेस शेविंग, जो कि आपको बिल्कुल भी ट्राई नहीं करना है। इंस्टेंट तो आपके बाल जल्दी जल्दी से रिमूव हो जाएंगे, बाद में जो मोटे मोटे से बाल आओगे ना, तो मैं नहीं चाहती अभी इस उम्र में आपको मोटे मोटे बाल आने शुरू हो जाए। फिर थर्ड नंबर पे आता है जेलेटिन पाउडर, पील ऑफ मास्क या फिर हेयर रिमूव के लिए काफ़ी मार्केट में प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, जो कि आपके हेयर्स को ईजिली रिमूव कर देते हैं। वो अभी आपको ट्राई नहीं करने हैं। कहने को तो मैं आपको कह दूँ कि आप शेविंग कर लो, आप वैक्सिंग कर लो, या फिर आप जेलेटिन से या फिर कोई और प्रोडक्ट्स के साथ जल्दी से अपने बालों को रिमूव कर दो, लेकिन बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जैसे हमारी स्किन है वैसे ही आपकी स्किन है। मैंने भी टीन एज पर काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए हैं, मेरे साथ जो हुआ है आपके साथ ना हो, इसलिए आपके इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता रही हूँ कि आपको इनको यूज़ नहीं करना है। एक तो जब आप शेविंग वगैरह या वैक्सिंग वगैरह करते हो, आपकी रीग्रोथ बढ़ जाती है। मतलब इस एज में आप चाहते हो कि आपको बार बार जल्दी से जल्दी बाल आए, फिर बार बार उनको रिमूव करते रहे, तो ये भी डेली डेली ठीक नहीं है टीन एज के लिए। अगर अभी तक आप सोच रहे हैं अपने फेशियल हेयर को रिमूव करने के लिए, तो इन सब मेथड्स में से कुछ भी अभी ट्राई मत करना। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि टीन एज में आपको कौन सा मेथड यूज़ करना चाहिए अपने फेशियल हेयर को रिमूव करने के लिए, जो कि 100% सेफ होगा, नेचुरल होगा, आपकी स्किन पे किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, बल्कि आपके फेशियल हेयर अनवांटेड हेयर को रिमूव करेगा ही करेगा, साथ ही साथ आपके चेहरे पर रेडियंट ग्लो देगा। लेकिन इस मेथड को कैसे बनाना है, कैसे लगाना है, सबसे मेन है कि कैसे रिमूव करना है, यह सबसे मेन पॉइंट है इस वीडियो का। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। इसको बनाने के लिए जो हमें सबसे पहले नीड होगी वो है गेहूं का आटा। जो आप खाने में आटा यूज करते हैं वही आटा आपको चाहिए। इसकी क्वांटिटी आपको 2 छोटे चम्मच ही चाहिए, इतना आपके फेस के लिए इनफ होगा। अभी आप सोच रहे होंगे कि आटा तो खाने में यूज होता है, ये हम लगाने से क्या हमारे हेयर्स कैसे रिमूव हो जाएंगे। देखिए, जो आटा होता है जब हम उसका घोल बनाते हैं तो वो हमारी स्किन के साथ चिपक जाता है। जो हमारे फेस के ऊपर बाल होंगे वो आटे के साथ चिपक जाएंगे, जो कि ईजिली रिमूव हो जाएंगे। इसलिए आटा मेन इन्ग्रीडियंट है इस होम रेमेडी का। सेकंड जो आपको नीड होगी वो है एलोवेरा जेल। फ्रेश एलोवेरा घर पे लगी है तो और भी अच्छी बात है, उसको यूज़ कर सकते हैं, वरना मार्केट वाली कोई भी ब्रांड की जो आप एलोवेरा लेना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्वांटिटी इसकी 1 चम्मच आप लेंगे। टीनएजर्स हो या फिर कोई भी एज वाला हो, एलोवेरा हमारी स्किन के लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि ये हमारी स्किन को एक तो हाइड्रेट करती है, मॉइस्चराइज रखती है, साथ ही साथ अगर आपके चेहरे पे किसी तरह के पिंपल्स, स्कार्स होते हैं उनको फेड करती है। तो इसमें 1 छोटा चम्मच आपने एलोवेरा जेल ऐड कर लेनी है। फिर हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी टर्मरिक, मतलब पिंच ऑफ टर्मरिक ऐड करनी है, इससे ज़्यादा आपको ऐड नहीं करनी है। टर्मरिक एंटीबैक्टीरियल होती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, जो कि हमारी स्किन से, अगर आपको पिंपल्स, अभी क्या होता है कि टीन एज में पिंपल्स की प्रॉब्लम्स बहुत रहती हैं, जो पिंपल्स के स्कार्स होते हैं उनको फेड करता है, इसलिए टर्मरिक टीन एज में काफ़ी अच्छी रहती है। तो आपको इसमें पिंच ऑफ टर्मरिक ऐड कर लेनी है। इनका एक अच्छे से मिक्सचर बन जाए तो हम इसमें डालेंगे रोज़ वाटर, गुलाब जल। आपने गुलाब जल की क्वांटिटी इतनी रखनी है ताकि ये एक अच्छा सा पेस्ट बन जाए, ना ही ज़्यादा गाढ़ा बने और ना ही ज़्यादा पतला बने। तो इनको अच्छे से मिक्स कर लीजिए ताकि सारे इंग्रेडिएंट आपस में मिक्स हो जाएं। सबसे पहले आपने अपने चेहरे को धो लेना है पानी के साथ, ताकि किसी तरह की डर्ट ना हो आपके चेहरे के ऊपर। अभी इसको लगाना कैसे है, बाल आपने देखे होंगे कि हमेशा हमारे जो बाल की डायरेक्शन है वो नीचे की ओर होती है, किसी की इधर की ओर होती है, किसी के नीचे की ओर होती है। यहाँ पे हेयर ग्रोथ होती है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आपने इसको लगाना है।
चाहो तो आप इसको फुल फेस के ऊपर भी लगा सकते हो, या फिर जहाँ पे आपको फेशियल हेयर ज्यादा है, अनवॉन्टेड हेयर ज्यादा है, वहां पे भी आप लगा सकते हो। लेकिन फुल फेस पे लगाओगे ये अच्छा ही रिजल्ट देगा, ये आपकी स्किन को ब्राइट ही बनाएगा, रेडियंट ही बनाएगा, इसलिए इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसको आप फुल फेस के ऊपर अच्छे से लगा लीजिए। पूरे फेस के ऊपर लगाने के बाद आपने इसको ड्राई होने के लिए छोड़ देना है। जब जो अच्छे से ड्राई हो जाएगा, सबसे पहले अपने आपने अपने हाथों के ऊपर थोड़ा सा पानी लेना है और अपने पैर के ऊपर अच्छे से पानी को लगा लेना है। चाहे एक बार दो बार अच्छे से आप पानी लगा के उसको थोड़ा सा गीला कर लीजिए। तो फिर आपने इसको बालों की ओपोजिट डायरेक्शन में ऐसे ऐसे रिमूव करना है, बालों की ओपोजिट डायरेक्शन में अच्छे से आपने इसको रिमूव करना है, जैसे मैं आपको वीडियो में बता रही हूँ। इससे क्या होगा, जो आपके फेशियल हेयर है आटे के साथ घोल बनाया है वो चिपक जाएगा। तो जब आप इसको रिमूव करोगे ओपोजिट डायरेक्शन में, जो आपके महीन से छोटे छोटे से बाल फेस के ऊपर होंगे वो ईजिली रिमूव हो जाएंगे। क्या ये पेनफुल मेथड है? ये बिल्कुल भी पेनफुल मेथड नहीं है, क्योंकि हमने जब ये ड्राई होता है उसके बाद हम इसको वेट करेंगे, गीला करेंगे, तब ही रिमूव करेंगे। तो आप खुद से करोगे, आराम से करोगे, हल्के हाथों से करोगे, तो कैसे पेन होगा? और ये नहीं है कि एक ही बार में इससे आपके बाल रिमूव हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। कहने को तो मैं आपको बोल सकती हूँ कि आप एक दो बार लगाओ और आपके बाल जो है बिल्कुल साफ हो जाएंगे, कि झूठी तसल्ली आपको दे दूँ, ऐसा नहीं होता। लेकिन इसके रिजल्ट अच्छे हैं। आप 3 महीने तक आप इसको ट्राई करो। इससे क्या होगा कि जब आप इसको ऐसे मल के निकालते हो ना हल्के हाथों से, इससे क्या होगा कि जो आपके बालों की रूट्स हैं, जड़ें हैं, वो वीक होने लगती हैं और रीग्रोथ कम हो जाती है। इसलिए आप पेशेंस रखिए, कुछ भी ऐसा वैसा यूज़ ना करें ताकि आपको बाद में जाके कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो। इसलिए आप नेचुरल चीज़ों से ही अभी अपने हेयर्स को रिमूव करें। इसलिए आपके लिए ये सेफ है, अभी आपकी एज के लिए ज़्यादा अपना एक्सपेरिमेंट चेहरे के ऊपर मत कीजिए, बाद में आपको प्रॉब्लम्स होगी, बहुत सारी प्रॉब्लम स्किन के ऊपर आ जाती हैं। आप इस पैक को स्टोर करके नहीं रख सकते, क्योंकि ये पैक में हमने आटा यूज़ किया तो वो जम जाएगा, तो इसलिए आपने इसको फ्रेश ही यूज़ करना है। और इसको हफ्ते में कितनी बार यूज़ करना है? आपने इसको हफ्ते में 2 बार ही यूज़ करना है, यानी कि एक दिन लगाया तो फिर नेक्स्ट डे लगा लिया तो पूरा हफ्ता नहीं लगाया, ऐसे नहीं करना है। आपने इसको एक दिन लगाया, 2-3 दिन का गैप डाल के फिर आप इसको ट्राई कीजिए। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी और आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रही होगी, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। और मैं आपके साथ फेशियल हेयर के ऊपर, अनवांटेड हेयर के ऊपर और भी बहुत सारी वीडियोस डालने वाली हूँ। अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन को ज़रूर ऑन कर देना, तभी आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। तो मैं नेहा मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।